हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूं आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो गाइस, रग्बी जो स्पोर्ट्स है वो उसको कंसीडर किया जाता है वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट। एंड रग्बी वर्ल्ड कप में जो फुटफॉल्स होता है वो कहीं ना कहीं टक्कर देते हैं फीफा वर्ल्ड कप को, मतलब व्यूअरशिप से नहीं, जो एवरेज अटेंडेंस होता है, जो अटेंडेंस नहीं कर रहा है, कौन है रेस्पॉन्सिबल इसके पीछे? एंड मैं विदाउट फिल्टर आज के वीडियो में बात करूंगा। मैंने एवरी आर्टिकल्स को अभी पढ़ा है, रिसेंटली जो आर्टिकल्स पब्लिश हुआ है ना, मैंने बहुत कुछ को पढ़ा है। एंड आफ्टर दैट मैं एक ही आर्गुमेंट कर सकता हूँ, वर्ल्ड रग्बी जो फेडरेशन है ना वो इतना ज्यादा कैपेबल नहीं है रग्बी को पॉपुलर करने के लिए। आई नो, मैं बहुत एक न्यू पर्सन हूँ रग्बी के लिए। एंड मैंने रग्बी वर्ल्ड कप को पिछले ईयर भी देखा था, रग्बी बहुत ही क्रेज है रग्बी वर्ल्ड कप में। साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड जैसा टीम में रग्बी, मानो इंडिया में जैसा क्रिकेट होता है ना, इधर वो है, वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है उधर। एंड बहुत ही क्रेज के साथ देख लो NFL देख लो ना, वो कहीं ना कहीं आपको रग्बी की याद दिलाते हैं, मतलब ये स्पोर्ट्स रग्बी से ही इन्वॉल्व हुआ है। आई नो इसके पीछे बहुत ही कुछ है, वो मैं अलग से बैठूंगा बात करूंगा। इंडिया में रग्बी क्यों पॉपुलर नहीं हो रहा है, रग्बी का स्ट्रक्चर क्या? 27 में जो रग्बी वर्ल्ड कप है उसमें सबसे ज्यादा हिस्टोरिकली यूरोप की 9 टीम ने रिप्रेजेंट किया था, ओशिनिया की 5 टीम ने रिप्रेजेंट किया था, साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका को मिलाकर 3 टीम ने रिप्रेजेंट किया था। और आपको पता है एशिया की कितने टीम ने रिप्रेजेंट किया था 2023 की रग्बी वर्ल्ड कप को? ओनली 1 टीम ने, जापान ने ओनली रिप्रेजेंट किया था। वो तो फुटबॉल भी जो है वो स्पेशल जो स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है वो तो साउथ अमेरिका एंड यूरोप से बिलोंग करते हैं। तीस हिसाब से देखे तो बाकी कॉन्टिनेंट से तो स्लॉट ही दे है। टोटली मैं कहना चाहता हूँ द ओस्ट फॉर्मेट ऑफ एनी स्पोर्ट्स, द ओस्ट फॉर्मेट जो रग्बी एशिया में स्पेशली है। मैं अलग कॉन्टिनेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ओनली एशिया की बात कर रहा हूँ। एशिया से एक टीम क्वालिफाई करते, मानो 24 टीम्स हो गया, मे बी 2 टीम्स क्वालिफाई करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 टीम्स एशिया से क्वालिफिकेशन मिल सकते हैं। एंड स्टिल ये लेस है। एंड इससे रग्बी एशिया में इतना ज़्यादा पॉपुलर कभी भी नहीं बनेगा जितना रग्बी बोर्ड इसको ले जाना चाहते हैं। एंड मैं बहुत ही सैड होता हूँ देखते हुए कि रग्बी की जो बोर्ड है ना वो इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहा है इंडिया में। आई मीन इंडियन रग्बी कुछ हद तक अभी अच्छे खेल रहे हैं, मैं टोटली रेस्पेक्ट करता हूँ। बट एक और आप देखो कि 2016 में जो रग्बी यूनियन की जो फेडरेशन है ना, वर्ल्ड फेडरेशन, उन्होंने 100 मिलियन US डॉलर इन्वेस्ट किया था चाइना में। एट द सेम टाइम अभी तक भी इंडिया में मतलब कोई भी कुछ करा नहीं है वर्ल्ड रग्बी में। इंडिया ये जो एक बहुत ही बड़ा मार्केट है, इंडिया की नेबर कंट्री श्रीलंका जो अभी के टाइम में रग्बी में टॉप फाइव में है एशिया में, आने वाले 1-2 वर्ल्ड कप पे ना अगर वो लोग अच्छे करेंगे इसी तरीके से, तो श्रीलंका साउथ एशिया की फर्स्ट टीम हो सकता है कि वो रग्बी वर्ल्ड कप को खेले। चांसेस बहुत कम है। मैं फिर कहता हूँ कि वर्ल्ड रग्बी जो फेडरेशन है ना, सबसे वर्स्ट फेडरेशन है एशिया के लिए, मतलब कुछ स्लॉट नहीं, कुछ क्वालिफिकेशन कुछ नहीं, मतलब जो डिवीजन टूर्नामेंट उन्होंने रखा है ना, डिवीजन 1 डिवीजन 2, देन रग्बी एशिया की जो चैंपियनशिप होता है इसमें जापान पार्टिसिपेट नहीं करता, बिकॉज ऑफ आई डोंट एनी थिंक अबाउट दैट। मैंने बहुत कुछ पढ़ा इसके ऊपर एंड मुझे सुनना भी नहीं है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है कि वो टीम स्ट्रांग है, ऑब्वियसली हर टाइम ही जीतेगा जापान तो इसलिए नहीं खेल रहा है, तो दिस इज अ बुलशिट मेरे हिसाब से। अगर टीम से आपस में नहीं खेलेंगे तो सेम ही है ना। एंड इसके साथ साथ जो रग्बी का जो होता है, रग्बी एशियन चैंपियनशिप होता है, इसमें 3 टीम्स खेलते हैं, 3 टीम्स, तो कोई सेंस नहीं बनाता है। एंड रग्बी डिवीजन 1 में फर्स्ट टाइम इंडिया ने रग्बी डिवीजन 1 में पार्टिसिपेट किया था, मतलब पिछले साल जो डिवीजन वाइज पर क्या होता है ना कि एक टीम प्रोमोट होता है, रिलीगेट होता है, तो ऐसा चलता है, जो टीम जीतता है वो प्रोमोट होता है, जो टीम हारता है वो रिलीगेट्स होता है। तो इंडिया ने पिछले साल जो डिवीजन होता है डिवीजन में जीता था, तो जिसकी वजह से ना इंडिया ने साउथ डिवीजन में जीता था, जिसकी वजह से इंडिया ने प्रोमोट हुआ था डिवीजन 1 में। इसी टाइम में इंडिया ने जो डिवीजन 1 में जो अपने मैचेस था ना, सभी मैचेस ही नॉकआउट होता है, तो श्रीलंका से पहला मैच हार गया जिसकी वजह से इंडिया फाइनल में नहीं जा पाया। देन जो थर्ड प्लेस का जो प्ले ऑफ मैच था वो भी इंडिया ने कतर से हारा, एंड कतर इंडिया से भी लोअर रैंक टीम है। इंडिया क्रिकेट को छोड़कर, कुछ स्पोर्ट्स को छोड़कर ना, बाकी सारे स्पोर्ट्स में ही डम है। एंड आई डोंट नो कि देखो रग्बी फेडरेशन बहुत अच्छे कर रहे हैं, बट उनके पास ना बेटर फैसिलिटीज है, ना उनके पास अभी के टाइम में इंडिया में रग्बी का एक भी स्टेडियम मौजूद नहीं है। यस, एक भी स्टेडियम मौजूद नहीं है। वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्रीज, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड वाला कंट्रीज, इसके साथ साथ हमारे देश में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज रखते हैं,
बट एट द सेम टाइम हम ऐसी चीज को देख रहे हैं। एंड मैं रियली कहना चाहता हूँ, जो रग्बी वर्ल्ड रग्बी फेडरेशन है ना, अगर इंडिया पे ज्यादा फोकस ही नहीं करेंगे तो इंडिया में पॉपुलर नहीं बन सकते। कुछ हद तक जो बास्केटबॉल फेडरेशन है उन्होंने भी इंडिया में बहुत अच्छे इन्वेस्ट किया था बट पॉपुलर नहीं हुआ। देन बहुत सारे जो मोटो रेसिंग है, हैदराबाद में गैन पिक्स हुआ था, अदर अदर स्पोर्ट्स था, इंडिया में एटलीस्ट ट्राई कर रहे हैं कि कैसे इंडिया में पॉपुलर बना सके। ऑल्सो इसके साथ साथ इंडिया की जो रग्बी है उन्होंने 2012 में गेट रेडी टू रग्बी एक प्रोग्राम भी स्टार्ट किया था जो सक्सेस नहीं हुआ था, बट नाउ द टाइम एक बहुत ही अच्छी चांस है। इंडिया में जो बाकी जो लोग हैं ना, वो भी डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स को देख रहे हैं। रिसेंटली जो एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, देन बाकी जितने भी गेम्स है, इसका जो व्यूअरशिप है वो काफ़ी हद तक बढ़ा है। एंड नॉट ओनली दैट, इंडिया में जो अदर स्पोर्ट्स है वो भी ग्रो कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो अदर स्पोर्ट्स स्टार है, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, बहुत सारे ऐसे स्टार है जो प्रोड्यूस भी हो रहे हैं, जिसको लाइमलाइट भी मिल रहा है लोगों से, जो अनएक्सपेक्टेड था पहले, बट इंडियन लोग भी धीरे धीरे एडॉप्ट कर रहे हैं। बट दिस इज अ वेरी राइट चांस कि वर्ल्ड रग्बी इंडिया में एटलीस्ट इन्वेस्ट करे एंड रग्बी को थोड़ा पॉपुलराइज करे। अदरवाइज देखो, एशिया में कभी भी रग्बी पॉपुलर नहीं बन सकता। अगर एक ही दो टीम ही रिप्रेजेंट करेंगी वर्ल्ड रग्बी में तो कोई चांस नहीं है। तो आप क्या सोचते हो रग्बी के बारे में? क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? क्या मेरे एजम्पशन गलत है? तो प्लीज नीचे कॉमेंट सेक्शन है, नीचे कॉमेंट पे बोलिए एंड अपना ओपिनियन जरूर दीजिए। मिलते हैं गाइस फ्यूचर के एक और वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, बाय।